हम पढ़ रहे थे पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी में हिंदी भाषा की समस्याएं, हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं और समाधान। तो उसकी कुछ प्रश्नोत्तरी, जो मेन प्रश्नोत्तरी है वो मैं करवा रही हूँ इसमें। जो मुख्य प्रश्नोत्तरी प्रश्न है वो इसमें कुल 10 प्रश्न हैं इसमें, तो वो करवा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ के तहत कि भाषा को सीखने के पक्ष हैं कौन कौन से पक्ष हैं, ये हमें देखना है। तो पठन भी है, लेखन भी है और व्याकरण भी है, यानी कि ये सारे के सारे, यानी व्याकरण नहीं होता है तो भी हम भाषा नहीं सीख पाते। लेखन भी होना चाहिए, पठन भी होना चाहिए, श्रवण भी होना चाहिए, हमने ये सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये सही है इसका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी पठन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें भाषा की ध्वनि, भाषा का रूप, भाषा का अर्थ या सभी। तो इसमें जो देखिए, भाषा की ध्वनि भी होनी चाहिए हिंदी पढ़ने में, यानी ध्वनि नहीं होगी तो हम उच्चारित कैसे करेंगे, ध्वनियों को से ही वर्ण बनता है, ठीक है। भाषा का रूप भी होना चाहिए, जैसे शब्दावली हो गई, वाक्य हो गया, ठीक है। भाषा का अर्थ भी, यानी कि जो वो अर्थ होना चाहिए, यानी उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों सही है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के शिक्षक को ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। किस चीज़ का? व्याकरण का, कुशल अध्यापन का, विद्यार्थी की मातृभाषा का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि बच्चा का जो बच्चे की जो भाषा है, यानी कि बच्चा किस भाषा भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फिर हमें उसकी मातृभाषा में हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 5वीं तक का बच्चा जो होता है उसे मातृभाषा में पढ़ाने से ही सारी बातें समझ में आती हैं। तो इसमें तीसरे का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की मातृभाषा का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना, ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ये पूछ रहा है कि किस भाषा में स्वर लिखे जाने पर उसका उच्चारण अवश्य होता है। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि किस भाषा में स्वर, जो मात्राएँ होती हैं, स्वर जो होते हैं, लिखे जाने पर उनका उच्चारण भी किया जाता है। यानी कि हमारी हिंदी भाषा में जो स्वर लिखे जाते हैं तो स्वर के साथ हम स्वर को उच्चारित नहीं करते, बल्कि उस जो वर्ण होता है जिस पर वह स्वर लगा हुआ होता है, हम उसको उस स्वर के हिसाब से उच्चारित करते हैं। लेकिन एक ऐसी भाषा है जिसमें वर्ण के साथ साथ स्वरों का भी उच्चारण किया जाता है, वो कौन सा होता है? तो इसमें तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ से हट गया है। तो तीन ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन है, यह है तेलुगु, यानी कि जो तेलुगु भाषा है, ठीक है, यानी कि सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तेलुगु भाषा में वर्ण के साथ साथ स्वरों का भी उच्चारण किया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए मैंने इसको रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है, उच्चारण को सुधारने के लिए, यानी कि जब हम उच्चारित कर रहे होते हैं, बच्चे उच्चारण कर रहे होते हैं वर्णों का, शब्दों का, तब हमें उसको सुधारने के, उसमें अगर गलती कर देते हैं तो सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, चार्ट या सभी। देखिए, टेप रिकॉर्डर में हम बच्चे के का जो उच्चारण होता है उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको सुनाते हैं बच्चे से, बच्चे को, और बताते हैं कि ये देखो तुम ये इस तरह से ये गलती कर रहे हो। अब दूसरा जो उसका शुद्ध उच्चारण है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको हम बच्चों को सुनाते हैं कि इसका उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है। तो ये टेप रिकॉर्डर का काम हो गया, ये भी उसमें उपयोगी होता है। लिंगवा फोन है, लिंगवा फोन में भी वही काम होता है। और चार्ट जो है, चार्ट से बच्चा अगर गलत उच्चारण कर रहा होता है तो हम चार्ट के माध्यम से बच्चे को बताते हैं कि यहाँ पर देखो तुम यहाँ ये गलत कर रहे हो, तुम इस तरह से कर रहे हो जबकि इस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चारण को सुधारने के लिए तीनों के तीनों उपयोगी हैं, तो इसका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सारा का सारा प्रश्न पूछा हुआ है, आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि किस भाषा की है? देवनागरी लिपि किस भाषा की है? तो आपको पता है कि जो संस्कृत, हिंदी और मराठी, ये तीनों की तीनों देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का मतलब होता है वह लिपि जिसमें जो शब्द जहाँ बोला जाता है वहीं पर वो लिखा जाता है और बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है, उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीनों की तीनों भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये इसमें और कोई तो है नहीं, हिंदी है, तो हम हिंदी को टिक कर देंगे, ये हमारी हिंदी सही है, सबको पता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये उल्टा हो गया है। देवनागरी लिपि को लिखा जाता है, इसका प्रश्न ऊपर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, एडजस्ट कर लेना। देवनागरी लिपि लिखी कैसे जाती है, अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बता दिया है। तो यहाँ ऑप्शन है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, कोई नहीं। देखिए, दाएं से बाएं लिखा जाता है उर्दू, ये भी एक प्रश्न नोट कर लीजिए। जो उर्दू है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, यानी पीछे की तरफ से शुरू करते हैं फिर इधर की तरफ लाते हैं, बाएं तरफ। ऊपर से नीचे कोई होता ही नहीं है, बाएं से दाएं जो है ये हमारी देवनागरी लिपि लिखी जाती है। ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं तो बाएं तरफ से लिखते हैं, दाएं तरफ को जाते हैं, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा ये अगला प्रश्न है हमारा, व्याकरण में किसकी सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है? व्याकरण में किसकी सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है, कौन किसकी सहायता ली जाती है जिससे हम शब्द निर्माण करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा ध्वनि, दूसरा है अक्षर, वर्ण या सभी। ये देखिए, ध्वनि तो एक जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है ध्वनि के रूप में, उसको ध्वनि कहते हैं। अक्षर उसको कहते हैं जिसका और क्षरण ना हो सके, यानी कि जो हल वर्ण होते हैं, यानी कि क लिखा उसमें हल लगा दिया तो वो आधा हो गया, तो उसको अक्षर कहते हैं। अब है वर्ण, वर्ण जो है ये हल, यानी कि क में हलंत लगा हुआ होता है और उसमें आय लगा देते हैं तो पूरा का पूरा एक वर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ध्वनि और अक्षर से नहीं बनता, वर्ण से बनता है। ठीक है ना, वर्ण से बनता है। चलिए, यानी कि मैं इसमें क्या पूछा गया था, मैं व्याकरण में किसकी सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है ये पूछा गया था। तो सिर्फ ध्वनि से नहीं, ध्वनि तो मुंह से निकल आवाज़ है ये, इसको कहते हैं। अक्षर जो है वो हलवर्ण होता है, तो वर्ण जो है उससे, उसकी सहायता से शब्दों का निर्माण होता है, व्याकरण में उसकी सहायता ली जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा जो वर्ण है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मैंने बता दिया है आपको। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। ये कह रहा है भाषा शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। पहला है व्याकरण के नियमों का, बी है व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान, नियमों से अवगत कराना, और सी है विद्यार्थियों को डांटना, या इनमें से कोई नहीं, ये लिखा हुआ था चौथा ऑप्शन। ठीक है, जो कि यहाँ पर फोटो लेते समय वो कट गया है। तो ये इसमें देखिए, विद्यार्थियों को डांटने से हम भाषा बच्चे को नहीं सिखा सकते। ठीक है, यानी कि शिक्षण माने पढ़ाना होता है, हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को भाषा सिखाने के लिए हमें उसे डांटना नहीं होता, डांट कर हम भाषा नहीं सिखा सकते। ठीक है, पहला है व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण के नियमों का तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ होता है। तो क्या होता है, व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान, नियमों से अवगत कराना, यानी कि आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को नियमों से अवगत कराएंगे तभी बच्चे उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा कि व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को नियमों से अवगत कराना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा, दसवां, भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अब चुनौतियाँ पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला ए ऑप्शन है कि कुशल अध्यापकों का अभाव, बी ऑप्शन है कि बालकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन में कमी, और सी ऑप्शन है कि भाषा शिक्षण संबंधी उपागमों का अभाव
या डी ऑप्शन कह रहा है कि सभी के सभी। तो देखिए इसमें भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव है, कमी है, अभाव माने कमी होता है, ये बिल्कुल सही है। और ए ऑप्शन है हमारा कुशल अध्यापकों का अभाव, बिल्कुल सही है, ट्रेंड नहीं होते हैं तभी नहीं सिखा पाते, चुनौतियाँ होती हैं क्योंकि ट्रेंड रहेंगे, जैसे कि अब नैप 2020 में आया हुआ है कि शिक्षकों को इस तरह से ट्रेंड किया जाएगा कि 3 से लेके बच्चा जो है वो 3 साल का रहेगा तभी जो है स्कूल में जा करके वो भर्ती हो जाएगा, पढ़ने के लिए एडमिट हो जाएगा, उसको उसका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पर टीचर ट्रेंड होकर के आएंगे, वो 3 साल के बच्चे से ले करके पढ़ाना शुरू करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, तो बच्चा जो है वो 3 साल से ही उस चीज़ को कवर करता, कैच करता हुआ चलेगा और आगे चलकर एक अच्छा सा स्टूडेंट बन के निकलेगा। ठीक है, तो कुशल अध्यापकों का की भी कमी है, बालकों के शैक्षणिक मार्गदर्शन में भी कमी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो यही होता है ना कि पढ़ाया नहीं जाता और सिर्फ वहाँ जाते हैं, बैठ के अपनी ड्यूटी बजा के चले आते हैं उल्टा सीधा पढ़ के, है ना। तो ये कमी है, इसकी वजह से ये हो रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि इम्पोर्टेंट थे और यही 10 प्रश्न मैंने रखा है किस ये जो मैंने पढ़ाया था हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं और समाधान, उस पर ये आधारित है, मेन प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो बस इतना ही पढ़ाना था, मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।